Vision, your voice. नमस्कार आदाब स्वागत है आपका रेनबो के कार्यक्रम एयर नेक्स्ट के नए एपिसोड में मैं हूं आपकी आज की आरजे गुरुक्षा बंसल स्टीमिंग कप ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉफी विद सिक्स ऑफ माय कॉलेज बॉडीज टू शेयर विद मैं के मंगलम यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ और बी एल एड के फाइनल ईयर में हूँ मैं अपनी यूनिवर्सिटी के कल्चरल क्लब की मेम्बर हूँ मुझे डांस करना बहुत पसंद है और मैं एक क्लासिकल डांसर भी हूँ जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 2 अक्टूबर है और इसमें गांधी जी की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता इसी के साथ मैं आज के टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी गांधी जी के सपनों का भारत अब मैं चाहूंगी कि यहाँ बैठे मेरे सभी दोस्त अपने बारे में सबको बताएंगे हाय मैं मोक्षिता सेठी बी एल एड थर्ड ईयर में पढ़ती हूँ और मैं दिल्ली से हूँ मैं फोटोग्राफी ट्रैवलिंग और नॉवल रीडिंग में काफी रुचि रखती हूँ मैं अपनी यूनिवर्सिटी की रिटोरिक लिटररी क्लब की मेम्बर हूँ हाय दिस साइड अदिति वर्मा currently pursuing B.L.A. year I am a member of health health society in our university as well regarding awareness spread among people anemia diabetes heart problems etc मेरी हॉबीज है चित्रकला मुझे नई नई चीजों के बारे में जानकारी पाना और उनके बारे में research करना बहुत पसंद है मुझे travel करना और नई नई चीजों को explore करने में भी काफी मजा आता है hey. आई एम उपासना एंड मैं दिल्ली से हूँ करेंटली आई एम अ मेंबर ऑफ एन एस एस जो बहुत सारे सोशल वर्क एक्टिविटीज करने का मौका देता है इसके अलावा मुझे चेस और सूडो जैसे गेम्स में भी मेरा इंटरेस्ट है नमस्ते मेरा नाम अल्पना जेम्स है मैं बीएड फर्स्ट ईयर में हूँ मैं यूनिवर्सिटी के कल्चरल क्लब का हिस्सा हूँ आई एम अ साउथ इंडियन बॉर्न इन केरला एंड ब्रॉटअप इन डेली I'm extremely passionate in इन एजुकेटिंग youth इन subjects लाइक मैथमेटिक्स इंग्लिश साइंस एंड थियोलॉजी मैं अपने फ्री टाइम में नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ना पसंद करती हूँ ट्रैवल करना पसंद करती हूँ और इंडिया के वेरियस क्विजींस को इन्जॉय करना पसंद करती हूँ नमस्कार मैं छवि कौशिक बी एड की छात्रा हूँ मैं गुड़गांव से बिलोंग करती हूँ मुझे कविताएं लिखना चित्रकारी करना किताबें पढ़ना और नृत्य करना बेहद पसंद है मैं इवेंट मैनेजमेंट और स्पोर्ट्स में भी खास रुचि रखती हूँ मैं पिछले दो वर्ष से एनएसएस क्लब की वॉलंटियर हूँ जो काफी का परिचय जैसा की हम बात करने वाले है आज गांधी जी और उनके सपनों के भारत के बारे में तो मेरे मन में एक सवाल है आखिर गांधी जी का असल सपना क्या था साफ सफाई रखना आजादी दिलाना एजुकेशन करना। गुरु मुझे तो लगता है उनका सपना भारत को सेल्फ रिलायंट बनाने का था स्वदेशी और सत्याग्रह तो गांधी जी की लाइफ की फिलोसफी के फंडामेंटल है भारत को आजाद कराने के लिए गांधी जी ने उन्नीस में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की थी उस समय गांधी जी ने सभी लोगों को इन्फ्लुएंस किया कि वो ब्रिटेन से आए कपड़े और बाकी सामान का बॉयकॉट करें ये मूवमेंट आजादी तक चला और काफी पॉपुलर भी हुआ इसी से इंफ्लुएंस होकर 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी मेक इन इंडिया मिशन की शुरुआत की इस मिशन के चलते उन्होंने कई इन्वेस्टर्स को इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करने को कहा इसी के साथ भारतीय नागरिकों को भी भारत में रहकर अपने स्मॉल बिजनेस खोलने के लिए प्रोत्साहित किया इस मिशन का मोटिव इंडिया को एक वर्ल्ड क्लास पावर हाउस बनाना है जो इकोनॉमी के बड़े बड़े इश्यूज को एड्रेस करने में हेल्प करेंगी इसके कई भाग हैं जैसे मेक इन इंडिया स्टार्टअप इंडिया वोकल फॉर लोकल स्किल इंडिया प्रोग्राम और स्मार्ट सिटीज इस इनिशिएटिव से वो भारत से अनएम्प्लॉयमेंट हटाना और डेवलपमेंट और ग्रोथ को प्रमोट करना चाहते हैं हम हाँ अक्षिता जब बात आती है एम्प्लॉयमेंट की तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें उससे पहले गांधी जी के व्यूज एजुकेशन को लेके जान लेने चाहिए गांधी जी कहते थे यदि व्यक्ति सीखना चाहे तो उसका हर एक भूल उसे शिक्षा दे सकता है महात्मा गांधी जी ने शिक्षा को थ्री आर और थ्री एच में डिस्ट्रीब्यूट किया बिल्कुल सही कहा थ्री आर से उनका मतलब था रीडिंग राइटिंग और अरोमेटिक और थ्री एच से उनका आशय था हैंड हेड और हार्ट बच्चा जो लिखे सोच समझकर और एक्सेप्ट करके लिखे शिक्षा का प्रक्रिया का केंद्र विद्यार्थी है विद्यार्थी को अनुशासित यानी डिसिप्लिन में रहना चाहिए बिल्कुल सही कहा दी थी तुमने मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ लेकिन ये डिसिप्लिन सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं होना चाहिए ये हम सभी को लागू करना चाहिए आइए जानते हैं उपासना से कि क्या डिसिप्लिन स्वच्छता में मेन रोल निभाता है जैसे कि हम जानते हैं कि गांधी जी का ना हमेशा से एक सपना था भारत को स्वच्छ बनाने का और तो और भारत को स्वच्छ बनाने के लिए एक अभियान भी शुरू किया स्वच्छ भारत अभियान लेकिन क्या सच में हमारा भारत स्वच्छ है इसके ऊपर ना मैंने एक कविता लिखी है जिसमें व्यंग है जो मैं आपको सुनाना चाहूंगी स्वच्छता के नाम पर सिर्फ कैंपेन चलाए जाते हैं सेल्फी क्लिक करने के लिए एक दो पेड़ लगाए जाते हैं कूड़ा करकट तो सड़कों पर यू बैठा है गंदे पानी ने ऐसा जाल बिछाया है कि मच्छरों की चपेट में हर कोई आया है प्लास्टिक बैग की अपनी यारी है इनको कूड़े को कूड़े को यह बहुत प्यारी है डस्टबिन तो नाराज खड़े हैं क्योंकि कचरा तो बाहर है यह खाली खड़े है स्वच्छ भारत हर जगह ये नारा है लेकिन क्या करे जनाब हमें गंदगी फैलाना जो प्यारा है लेकिन अगर देखा जाए तो क्या यह सरकार की जिम्मेदारी है यह हमारी भी जिम्मेदारी है स्वच्छ भारत का पूरा करेंगे सपना अपने कार्य से साफ रखेंगे देश अपना व्यंग आपने बोला है वो बिल्कुल सटीक है बात स्वच्छता की होती है तो आज भी कचरा डस्टबिन से बाहर है अक्सर हम देखते हैं कि लोग खाने पीने की चीजों को ले जाने के लिए प्लास्टिक का ही यूज करते हैं लेकिन क्या ये सही है जबकि हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक बैन है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है हम क्यार मंगलम यूनिवर्सिटी गुरुग्राम से बात कर रहे हैं सपनों के भारत के बारे में आइए जानते हैं कि कैसे गांधी जी का जो सपना था यूनिटी का और कुरुतिया को मिटाने का क्या वो आज भी पूरा हुआ है हमारा भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर यूनिटी इन डायवर्सिटी पूरी तरह से देखी जाती है गांधी जी का सपना था कि भारत में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो यानी कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट क्रीड जेंडर रिलीजन रीजन रेस और एथनिसिटी हमारे देश की युवा पीढ़ी इस सपने से बिल्कुल सहमत है और रात दिन इस सपने को हकीकत बनाने में जुटी हुई है गांधी जी ने महिला सशक्तिकरण में भी बहुत योगदान दिया है है ना छवि बिल्कुल इतना क्या आप जानते हैं महात्मा गांधी जी की विचारधारणा महिलाओं के प्रति समाज में कैसी थी नहीं ना लेट मी टेल यू मोहनदास करमचंद गांधी ही वॉज अ विजनरी पर्सन यानी वह एक दूरदर्शी व्यक्ति थे ही अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी इसीलिए उन्होंने दहेज पर्दा प्रथा अनटचचबिलिटी और बाल विवाह जैसे मुद्दों के विरुद्ध आवाज उठाई थी और युवाओं को भी इसके विरुद्ध खुलकर सामने आने के लिए प्रेरित किया था महात्मा गांधी जी के प्रयासों से महिलाओं की स्थिति काफी मजबूत हुई थी गांधी जी की दृष्टि महिलाओं को अबला से सबला बनाने की थी ही बिलीव दैट वुमेन नेचुरली हैव क्वालिटीज ऑफ लव नॉन वायलेंस सैक्रिफाइस एंड फर्गिवनेस इसीलिए उन्होंने महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बनाया था सत्याग्रह और दांडी मार्च के बाद उन्होंने महसूस किया था कि महिलाएं इंटेलेक्चुअली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली पुरुषों के समान हैं और सभी गतिविधियों में भाग ले सकती हैं उनका मानना था कि महिलाओं को स्वतंत्रता और आत्मविश्वासी यानी इंटेलिजेंट और कॉन्फिडेंट बनाने के लिए उन्हें शिक्षित किया जाना चाहिए बिल्कुल सही कहा हम सभी आपकी बात से पूरी तरह सहमत हैं महिलाओं के लिए गांधी जी ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं और उन इनिशिएटिव्स की वजह से आज हम सब इक्वालिटी में बिलीव करते हैं तो आइए चलते हैं इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि गांधी जी ने बेसिक एजुकेशन के बारे में क्या कहा है सबसे पहले गांधी जी ने बोला था छह से चौदह साल तक के सभी बच्चों को निशुल्क यानी फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए इसके लिए हमारी भारत सरकार ने भी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत कहा है कि हर बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी उसके साथ साथ भारत सरकार ने बच्चों का स्वास्थ्य का भी अच्छे से ध्यान रखा है जिसके लिए जुलाई 2003 में उन्होंने मिड डे मील का इम्प्लीमेंटेशन किया है जो अब पीएम पोषण के नाम से भी जाना जाता है गांधी जी के अनुसार संपूर्ण शिक्षा हस्तकला और उद्योगों पर आधारित होनी चाहिए मतलब बच्चों को ज्ञान सिर्फ किताबी शिक्षा पर ही नहीं प्रैक्टिकल नॉलेज और एक्टिविटीज के थ्रू भी कराना चाहिए जिससे की उनको हर चीज के बारे में डिटेल में पता चले आपकी बात बहुत सटीक है और मिड डे मील के वजह से हमने देखा है कि काफी जो गरीब बच्चे हैं उन्हें पूरा पोषण मिल रहा है बिल्कुल अदिति मैं आपकी बात से सहमत हूँ और गांधी जी के विचारों को मद्देनजर रखते हुए और आज के युवाओं को जागरूक करने हेतु मैं एक स्वयं लिखित कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ मेरी कविता का शीर्षक है याद रहे जो बेटी को आज देश के हर कोने में संकट सा मंडराया है प्रदय काल दे रहा निमंत्रण खतरा सिर पर आया है क्यों असुरक्षित हुई बेटियां इस हिंदुस्तान की धरती पर जिसने नहीं पाल की देखी सौ चढ़ जाती अर्थी पर कुछ को कोख में मार कर नहीं माता पिता लग जाते हैं बिना पढ़ाए भार समझ कर जल्दी ब्याह कराते हैं फिर भी क्यों दहेज के कारण आग लगाई जाती है या तो बेटियां स्वयं तंग हो या फांसी चढ़ जाती हैं याद रहे जो बेटी को यु निर्भर रहना पड़ जाएगा पुरुष प्रधान जगत में उसे चुप रहना पड़ जाएगा याद रहे जो बेटी को इस तरह सताया जाएगा होगी कयामत दुनिया में कोई जीव नहीं बच पाएगा यह कविता सुनकर कुछ आंखें नम है पर आपकी हर बात में दम है और इससे पता चलता है कि हम युवाओं को अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत है गांधी जी के सपनों का भारत बनाने के लिए आज हम गांधी जी के सपनों के बारे में तो बात कर ही रहे हैं तो मैं आगे चलते चलते बस ये और पूछना चाहूंगी कि गांधी जी की किस बात से आप सबसे ज्यादा प्रभावित हैं मैं तो उनकी सदा जीवन उच्च विचार की बात से बहुत प्रभावित हूँ अदिति आप किस बात से प्रभावित हैं मैं एज अ टीचर ये बोलना चाहूंगी कि मेरे को उनकी एजुकेशन की बात बहुत प्रभावित करी मैं अपने फ्यूचर में कोशिश करूंगी कि हाँ मिड डे मील और प्रैक्टिकल एज वेल एज बुकिस नॉलेज का पूरा प्रयास करूं मोक्षिता आप बताइए जैसा कि गांधी जी ने कहा है स्वदेशी इज द ओनली डॉक्ट्राइन कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ ह्यूमैनिटी एंड लव ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं चाहूंगी कि हम प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव को हम आगे बढ़ाएं

और छवि आपका क्या कहना है? मैं गांधी जी की काफी सारे प्रयासों से प्रेरित हूँ जो उनका प्रयास महिलाओं के लिए था दैट वॉज इंस्पायरिंग उनका प्रयास जो महिलाओं की एजुकेशन की तरफ था उनको एम्प्लॉयमेंट दिलाने की तरफ था सो आई वॉज इंस्पायर्ड बाई दैट मैं आप सभी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ आज के इस कार्यक्रम में गांधी जी के सपनों के भारत के बारे में बात की और मुझे यकीन है कि ये हमारे श्रोताओं को बहुत पसंद आया होगा इसी प्यारे से मोड़ के साथ हम कार्यक्रम को करते हैं समाप्त नमस्कार नेक्स्ट